अगर इस शहर में 5-50 लाख से ज्यादा पख्तून है जितने पेशावर में भी नहीं है, तो भाई उनकी दवाई का जवाब होना तो दिक्कत नहीं की बात तो नहीं है। लोग कहते हैं कि आप कहते हैं कि कोई दौर तो फ्री है ना, जो होती है हाँ हम हैं, अगर हम करें लेकिन हम नेशनल पार्टी में हमारी पार्टी के दरवाजे हर कौम हर मजहब हर इंसान के ऊपर खुले हैं। हमें ये लेकिन पता है कि पाकिस्तान उस तरीके के वास्ते कराची में अपनी जनजत करता है बिल्कुल उस तरीके से जिस तरह पंजाब में जनजत किया। आज आप लाहौर से टेक ऑफ करते हैं और लेकर चढ़ते हैं सक्कर तक, लगता है कोई और पाकिस्तान है। और जब आप सक्कर से पुराने रोड के ऊपर सिंध में दाखिल होते हैं, सक्कर से उतरते हैं, तो आपको पता चलता है कि भाई वो जो पाकिस्तान था 1947 में आजाद हुआ था वो वहीं खड़ा है, लेकर पंजाब के आगे। तो ये तरक्की जो देखती है और ये तरक्की इंशाल्लाह ताला जब कराची की सड़कों पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में नजर आएगी, जिस तरह से कराची शहर ने, आपको याद होगा कि लेवल द एडवोकेट साहब की तरफ वोट दी, जिस तरह से उसके बाद कुछ पार्टियों ने नुकसान किया, उसकी शोहरत बढ़ी, उस शोहरत की वजह से वो काम कर दिया, जब उन्होंने काम करना बंद कर दिया, पाकिस्तान से हमारा वज़ीर आज़म आएगा।